हाय गाइस टू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल वीडियो के साथ तो पहले आपको बता देना चाहूंगा कुछ सिग्नल मिसिंग होने जाने के वजह से हमारे पैनल के अंदर ऐसा कंडीशन आ जाती है दूसरा कारण ये आती है कि कोई अगर सिग्नल पैनल तक नहीं पहुँचती है तब भी ये आती है और तीसरा कारण ये आती है कि अगर कोई सिग्नल अगर इंटरनली शॉर्ट हो जाए तब भी हमारा यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है देखिए ये बीच बीच में जो पिक्चर है रुक भी जा रहा है तो इस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है मैं अपने मिनी ऑसिलोस्कोप के जरिए ढूंढूंगा सारे सिग्नल को मेजरमेंट करके तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस पैनल के अंदर क्या फॉल्ट है देखिए दोस्तों जब भी ऐसा प्रॉब्लम किसी भी टीवी के अंदर आएंगे सबसे पहला जो काम हमें करना होगा वो है इसके अंदर जो एलवीडीएस केबल लगा हुआ है इस एलवीडीएस केबल को क्लीन करके देखना पड़ेगा अगर आपके पास एक नया या कोई अच्छा वाला एलवीडीएस केबल है तो वो उसको भी लगा के आपको देखना पड़ेगा हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उस पैनल का नंबर क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पर लिखा हुआ है एस टी थ्री वन फाइव वन ए जीरो फाइव हाई फेन फोर हाई फेन एक्स सी हाई फेन फोर इस नंबर का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है और ये माइक्रोमैक्स का टीवी होने के कारण आपको इसी मदरबोर्ड के अंदर टिकॉन सेक्शन भी अवेलेबल है ये जो पैनल है ना दोस्तों इस पैनल के लिए अलग से टिकॉन इसके अंदर नहीं लगाया गया है इस मदरबोर्ड के अंदर ही इस्तेमाल किया गया है तो हमारा जो पहला काम होता है इस एल बी डी एस केबल को क्लीन करके देखना तो सिंपली हम इस एल बी डी एस केबल को खोलेंगे और खोलने के बाद हमारे पास एक ब्राश है इस ब्रास के मदद से इसको क्लीन करेंगे और हो सके तो अगर आपके पास कॉटन है कॉटन कटन की मदद से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो दोनों साइड आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा इसके साथ साथ यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है कहीं बार कनेक्टर के अंदर डस्ट और मॉइस्चुराइज आने के वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है तो हम इसको क्लीन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है अब इसको एक बार लगा के इसका पिक्चर देख लेता हूँ कि हमारा पिक्चर सही से देखने को मिलता है या पहले जैसा ही हमें देखने को मिलेगा चलिए अब इसके अंदर में लाइन देता हूं लाइन देने के बाद इसका पिक्चर देख लेता हूं एक बार देखिए दोस्तों क्लीन करने के बाद भी हमारा पिक्चर है उसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है और सिग्नल आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा और सिग्नल किस तरीके से दिखता है ये भी आपको पता चलेगा हमारे पास मिनी ऑस्टिलोस्कोप है इस मिनी ऑस्टिलोस्कोप के जरिए भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको पहले दिख रहा था कि यहाँ पे नो सिग्नल का साइन आ रहा था और यहाँ पे इस साइड देखिए थोड़ा सा इस टाइप से दिख रहा था यानी कि पिक्चर हमारा अभी भी सही नहीं हुआ है तो पिक्चर को सही करने के लिए अब चलिए वोल्टेज को मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है हम ले अपने माइक्रोस्कोप को ऑन कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ एकदम क्लियर दिखे तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर देखने को मिलेगा मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पर सेट करके रखा हूँ यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और दूसरे प्रॉप के जरिए सबसे पहले एस वोल्टेज मैं अपूँगा और यहाँ पे कितना दिखा रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू उसके बाद एक एक करके सारे चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पे दूसरा वोल्टेज हो जी वी ऑन वोल्टेज है यहाँ पे देखिए वन पॉइंट थ्री टू दिखा रहा है अगला सी के भी वोल्टेज यहाँ पे वन पॉइंट फाइव वोल्ट दिखा रहा है जो कि ओके है ओ ई वोल्टेज आप देखिए थ्री पॉइंट टू फाइव सिक्स दिखा रहा है ये भी ओके है अब टी पी वोल्टेज जीरो पॉइंट थ्री है पी ओ एल वोल्टेज देख लीजिए 1.6 पॉइंट वोल्ट उसके बाद आगे का जो सारे वोल्टेज हैं 1.1 पॉइंट वोल्ट एम एल यहाँ पर देखिए 1.1 पॉइंट वोल्ट यहाँ पर 1.1 पॉइंट वोल्ट यहाँ पे ये यह सारे के सारे दोस्तों हमारा एल वी डी एस सिग्नल है वन पॉइंट वन वोल्ट यहाँ पर और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एल वी डी एस सिग्नल है या नहीं ये भी आपको अपने मल्टीमीटर या जो ऑसिलोस्कोप है उसके जरिए मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारे के सारे वन पॉइंट वन वोल्ट ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी यहाँ पर भी और हमें तब भी पता चलेगा जब मैं इसको ऑसिलोस्कोप के जरिए मेजरमेंट करूँगा ये तो दोस्तों बेसिक वोल्टेज हो गया और उसके बाद पैनल का और जो बेसिक वोल्टेज होता है जैसे कि वी जी एच वी जी एल वी ऑन ये सारे वोल्टेज भी हम लोग एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले देखिए वी जी एल वोल्टेज है यहाँ पे वी जी एल वोल्टेज माइनस सिक्स वोल्ट दिखा रहा है एकदम प्रॉपर ओके हंड्रेड परसेंट अब वी जी एच यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर वी जी एच वोल्टेज थर्टी थ्री वोल्ट ये भी ओके है बी जी एच के बाद भी कुछ लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे और अब हमारा अगला जो वोल्टेज है ना वो भी एक दो बार में एक बार मैं माप लेता हूँ यहाँ पे बी जी का जो मेन पॉइंट है वोल्टेज मापने का यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 26 वोल्ट के आसपास आना चाहिए तो 24.42 पॉइंट वोल्टेज आ रहा है मतलब ये भी सही है और वी जी एच वी जी एल वोल्टेज का जो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों इसके बारे में मैं आपने जो ई बुक है उसके अंदर भी लिख के रखा हूँ और अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हो कि पैनल के अंदर जितने भी वोल्टेज मौजूद होते हैं उन सारे वोल्टेज का मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज कि, कितना होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया हुआ है अपने वेबसाइट पर और हमारे ई बुक पर भी जो लोग इल से डी एल ई डी टी वी रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हो शुरुआती दौर में तो आप हमारा ई बुक को ले सकते हो अब यहाँ पे वी सी सी वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे 4.95 या 4.91 पॉइंट वोल्टेज क्योंकि ये हमारा पैनल 5 वोल्ट का है इसलिए 4.9 पॉइंट वोल्ट ये चल जाएंगे कोई भी प्रॉब्लम हमें दिक्कत नहीं देखने को मिलेंगे अब यहाँ पे ये जो मेन जो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है फ्यूज के दोनों साइड हम लोग चेक कर लेता हूँ वोल्टेज दोनों साइड में फोर वोल्टेज मतलब बिल्कुल सही वोल्टेज है डायोड के इस पर भी फोर वोल्टेज है मतलब ये भी सही है वोल्टेज एकदम प्रॉपर ओके है मतलब इस टिकोन जो लगा हुआ है यानी कि सोर्स पी सी लगा हुआ है ना इस पीसीबी के अंदर जितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो सारे वोल्टेज एकदम प्रॉपर बिल्कुल ओके है अब हम क्या करेंगे कि हमने ये भी देख लिया हूँ कि वोल्टेज कहाँ पे कितना मौजूद होना चाहिए ये भी सही है हमने इसका जो एल सिग्नल भी देख लिया हूँ तो चलिए अब सारे सिग्नल को चेक कर लेते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा वोल्टेज मेजरमेंट करने के बाद ना है ना पता चल जाता है कि कितना वोल्टेज होना चाहिए और कितना वोल्टेज मिल रहा है लेकिन सिग्नल को अगर हम चेक करेंगे तो आपको और भी डिटेल में पता चलेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है तो ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हो हमारे पास ऑसिलोस्कोप मल्टीमीटर इसको मैं ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले को अंदर देखने को मिलेंगे अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक प्रोप को ग्राउंड कर लेता हूं और दूसरे प्रॉप के अंदर से सारे वोल्टेज को मेजरमेंट करके या जो सिग्नल किस तरीके से दिखेंगे ये आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि एस सिग्नल आपको किस प्रकार से देखने को मिलेंगे मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिए जी यानी ऑसिलोस्कोप पर हमने सेट करके रखा हूँ जो हमारा टाइम है ना यहाँ पे देखिए हमने 10 मिली सेकेंड पर यहाँ पे टाइम सेट करके रखा हूँ और वोल्टेज सेट करके रखा हूँ फाइव वोल्ट पर डिवीजन मैंने मतलब एक डिवीजन में 5 वोल्ट होगा और जो इसका रिफ्रेशिंग रेट होगा वो 10 मिली सेकेंड होगा तो चलिए हम लोग इसको एक बार चेक कर लेता हूँ सारे वोल्टेज को सीके एस टी वी वोल्टेज आपको यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिखा रहा है तो आप जो है ना ये जो हम लोग अभी ऑसिलोस्कोप के जरिए आपको वोल्टेज का या सिग्नल का जो आपको सिमटम या जो करेक्टरिस्टिक दिखा रहा हूँ ये आप स्क्रीन शॉट करके भी रख सकते हो और आप हमारे वेबसाइट से भी आप ले सकते हो अब आप, आप देखिए जी वी ऑन वोल्टेज का कैसा आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे आप देखिए अब सीके भी वोल्टेज का सिग्नल सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ता है देखिए सी के भी वोल्टेज का जो सिग्नल है ना ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अब वही वो वोल्टेज हम देख लेते हैं सिग्नल कैसा है आपको यहाँ पे डीसी सिग्नल देखने को मिल रहा है अब टीपी ऑन सिग्नल सबसे ज्यादा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे इस पैनल के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों में एक चीज आप नोटिस करोगे कि पहले जो दो सिग्नल आपने देखा था यहाँ पे आपको कोई भी बीच में से कटा हुआ नहीं देखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कटा हुआ सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे जो कि ये वाला वोल्टेज हमारा टी पी वन वोल्टेज है आप चाहे तो टी पी वन वोल्टेज का जो स्क्रीन शॉट है आप लेकर देख सक रख सकते हो हालांकि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आगे भी लेकर आऊँगा ताकि आपको पता चले कि पैनल के अंदर जितने भी टेस्ट पॉइंट होता है उसके अंदर जो सिग्नल होता है वो सिग्नल हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगे अगर वो सेम सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर नहीं मिलेंगे तो आपको सिग्नल कैसे जनरेट करके इसको देना पड़ेगा अब पी ओ एल वोल्टेज इसका देखिए कि किस तरीके से देखिए ये एक्चुअली जो पी ओ एल वोल्टेज होता है एक क्लॉक सिग्नल होता है और आप देखिए क्लॉक सिग्नल आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है मतलब हमें पैनल के अंदर जितने भी वोल्टेज मिलना चाहिए था वो सारे के सारे वोल्टेज हमें देखिए प्रॉपर देखने को मिल रहा है कोई भी वोल्टेज के अंदर तो कमी नहीं देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए सी के भी वोल्टेज भी आपको दिखा दिया वो ओ एल वोल्टेज भी दिखा दिया ओई वोल्टेज -E भी दिखा दिया एस टी भी वोल्टेज भी दिखा दिया अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इस पैनल को रिपेयर करना है तो क्या करना है ये जो पैनल है इस पैनल के मुताबिक इसका जो 35 फाइव नंबर का पिन है उस 35 फाइव नंबर का पिन को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा इसके लिए मैं इसको खोल लेता हूँ और मैंने इस टी का जो पावर सप्लाई है वो मैंने कट कर दिया हूँ अगर 35 फाइव पिन में एक एक करके सबसे पहले काउंट कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए उस सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए तो इस साइड से सा हम काउंट करेंगे तो चलिए काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस 28, उनतीस तीस इकतीस बत्तीस 33, 34, पैंतीस तो यह रहा हमारा पैंतीस नंबर का पिन तो यहाँ पे मैं अभी मार्किंग करूँगा मतलब ये जो पिन है ना ये हमें ब्लॉक करना पड़ेगा चलिए अभी इस एल बी डी एस केबल को मैं खोल लेता हूँ खोलने के बाद ये हमारा पैंतीस नंबर का पिन चलिए इसको उल्टा कर लेता हूँ उल्टा करने के बाद चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ और नहीं तो इस साइड से भी आप काउंट कर सकते हो टोटल सिक्सटी पिन होते हैं अगर हम सिक्सटी से पैंतीस बात करेंगे तो पच्चीस नंबर का पिन होगा तो इधर से भी एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ चलिए पच्चीस ये वाला पिन ये वाला पिन हमें काट करना पड़ेगा चलिए इसको मैं अकाउंट खोल देता हूँ ये जो पिन है ना इस पिन को हम अब ब्लॉक करेंगे ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली हम टेप का इस्तेमाल करेंगे चलिए एक सिग्नल को हमने ब्लॉक कर दिया हूं आप देखिए ये वाला जो सिग्नल है ये सिग्नल ब्लॉक हो चुका है ये देखिए ये वाला सिग्नल ये देखिए टेप ये देखिए टेप और इसके ऊपर हमने अच्छे से बिठा दिया हूँ अब चलिए इसको मैं कनेक्टर के साथ लगा देता हूँ ताकि उठ ना जाए तो मैं इसको अच्छे से चिपका देता हूँ चलिए हमारा ब्लॉकिंग का काम कंप्लीट हो चुका है अब इसके अंदर मैं पावर देकर आपको दिखाता हूँ अभी माइक्रोस्कोप में हटा लेता हूँ क्योंकि अभी हमारा माइक्रोस्कोप का कोई काम नहीं है अब हमें आपको मेन कैमरा पर ही दिखाना पड़ेगा तो सब कुछ हटाने के बाद तो चलिए दोस्तों अब इसका पिक्चर देख लेता हूँ सबसे पहले तो इसके अंदर मैं लाइन दे देता हूँ लाइन देने के बाद यहाँ पे इसका हमारे इस लेफ्ट साइड में बटन है मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे इस पैनल के अंदर जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो फिक्स होता है कि नहीं हमने जो मॉडिफाई करा हूँ उस मॉडिफाई का जो रिज़ल्ट है वो सक्सेस होता है कि नहीं ये हम एक बार देख लेते हैं देखिए अभी इस टर्न वाइज से रिलीज हो चुका है देखिए और माइक्रोमैक्स का लोगो एकदम बिल्कुल प्रॉपर आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा और मेरे ख्याल से जो मैंने देखा कि ये लाइनिंग जो है ठीक नहीं होगा क्योंकि इसका जो पिक्सल इस साइड से देखिए मैं इस कॉर्नर से दिखाना चाहूँगा इस कॉर्नर से पिक्सल जो है डेड होना शुरू हो चुका है और इधर भी बहुत सारे पिक्सल डेड हो चुका है और मेरे ख्याल से ये जो पैनल है लगभग आठ से नौ महीना चलेगा और ज़्यादातर एक साल तक चलेगा उसके बाद ये पैनल बर्बाद हो जाएगा ख़राब हो जाएगा इसके जगह पे हमें नया पैनल लगाना पड़ेगा लेकिन ये हम लोग इसका प्राइस लगभग तीन सौ से साढ़े तीन सौ रुपये लेंगे और ये पैनल लगभग चलेगा आठ से नौ महीना हम आराम से ये चल जाएगा उसके बाद पैनल को रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमने ये जो एक सिग्नल को ब्लॉक करा हूँ ये सिग्नल ब्लॉक करने के बाद भी कई बार पैनल ठीक नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हमें कोई दूसरा प्रोसेस को फॉलो करना होता है अगर पैनल पीसीबी के अंदर साढ़े वोल्टेज सही है और पैनल इंटरनली शॉर्टिंग नहीं हो उतना ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट है तो इस तरीके से रिपेयर हो जाती है लेकिन ज़्यादातर समय जो है पैनल रिपेयर नहीं होता है पैनल रिपेयरिंग का जो सक्सेस रेट है बहुत ही कम होता है इसीलिए आप निराश मत हो अगर आपका पैनल ठीक नहीं होता है तो आप नया पैनल लगा लीजिए और यही सही जानकारी का वीडियो अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और हमारा जो ई बुक है दोस्तों एल सी डी एल रिपेयरिंग गाइड ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मौजूद है अगर आप में से किसी को भी वो ई बुक चाहिए तो हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे एल सी डी एल डी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी और इंग्लिश बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप जो है रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो उससे बड़ी बात यही कि दोस्तों उस ई बुक को पढ़ने के बाद रीड करने के बाद आपको कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज का पीछे क्या कारण है अगर कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे इन सारे चीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा और खास करके मैंने ये ई बुक जो है बनाया हूँ उन सारे लोगों के लिए जो लोग नया नया इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या टी रिपेयरिंग फील्ड में आ रहे हैं उन लोगों के लिए अगर आप पुराना टेक्नीशियन हो आपके पास नॉलेज है तो आप आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप नया टी मैकेनिक बन रहे हो तो आप उसे ई बुक को ले सकते हो चाहे आप एल सी करना चाहते हो या आप सीआरटी टीवी से अपग्रेड होना चाहते हो तो वो वाली बुक आपको बहुत ही ज्यादा ही हेल्प करेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इसी पर करके वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ऑल द बेस्ट